बिहार भाजपा के युवा चेहरा रहे ऋतुराज सिन्हा को पार्टी में बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। उन्हें जेपी नड्डा ने पार्टी में राष्ट्रीय मंत्री के तौर पर नियुक्त किया है। ऋतुराज सिन्हा के राजनीतिक सफर की अगर बात की जाए तो वो 2005 से राजनीति में सक्रिय हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव में फ्रंटलाइन पर काम करते दिखे थे। 2014 के लोकसभा चुनाव में ऋतुराज सिन्हा को कैंपेन कमेटी में बड़ी भूमिका दी गई थी। 2015 में ऋतुराज सिन्हा को अमित शाह ने प्रचार अभियान समिति के सदस्य के तौर पर दायित्व सौंपा था। ऋतुराज सिन्हा 2017 से 2020 के बीच नित्यानंद राय की प्रदेश कमेटी में बतौर प्रदेश पदाधिकारी भी काम कर चुके हैं। 2019 लोकसभा चुनाव में ऋतुराज सिन्हा को राष्ट्रीय दायित्व दिया गया। ऋतुराज 2019 के लोकसभा चुनाव में नेशनल कैंपेन कमेटी के सदस्य बन गए थे। इस कमेटी में 8 सदस्य थे जिसका नेतृत्व उस समय अरुण जेटली कर रहे थे। ऋतुराज ने इस दौरान भी अपनी काबिलियत साबित की और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के चहेते बन गए। 2020 के विधानसभा चुनाव के दौरान ऋतुराज सिन्हा बीजेपी के मैनिफेस्टो आत्मनिर्भर बिहार के सूत्रधार के तौर पर सामने आए और उन्होंने मैनिफेस्टो में कई सारी ऐसी चीज़ों को शामिल करवाया जिससे बीजेपी को आम लोगों से कनेक्ट करने में बड़ी मदद मिली। उसका नतीजा भी निकल कर आया और बीजेपी ने बड़ी जीत विधानसभा चुनाव में हासिल की। बता दें कि ऋतुराज एक सफल उद्यमी भी हैं। ऋतुराज सिन्हा को कई बार सरकारी दायित्व भी मिलता रहा है। हाल के दिनों में ही ऋतुराज सिन्हा को नेशनल कैडेट कोर के पूर्ण गठन और आधुनिकीकरण के लिए काम करने वाली कोर कमेटी का सदस्य बनाया गया है। इस दौरान ऋतुराज ने एनसीसी के लिए कई सारी ऐसी योजनाओं पर काम करना शुरू किया जिससे उन्हें चारों तरफ सहारा जाने लगा। ऋतुराज सिन्हा को बीजेपी के राष्ट्रीय मंत्री बनाए जाने से युवाओं में बीजेपी ने सीधा संदेश दिया है। राजनीति के जानकार बताते हैं कि बीजेपी के इस निर्णय से कई इलाकों में फायदा भी मिलेगा। एबीपी बिहार के लिए पटना से प्रकाश कुमार की रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।